सीखे कि कैसे हम डेलीगेट कर सकते हैं टास्क। जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज आनी है, हर चीज सीखना है। आउटसोर्स कीजिए, स्पेशली वो काम कीजिए जो आपको पसंद नहीं है। आज हम 9 लेसन सीखेंगे बुक जिसका नाम है बाय बैक योर टाइम। सो गेट अनस्टक, रिक्लेम योर फ्रीडम एंड बिल्ड योर एम्पायर। ये बुक है डैन मार्टेल की। तो पहला लेसन जो ये बुक दे रही है हम सबके लिए जो बहुत वैल्यूबल है वो ये है कि अपने समय की वैल्यू को समझिए, समझिए, रेकग्नाइज कीजिए कि ये टाइम ही आपका सबसे वैल्यूबल एसेट है। इसकी वर्थ असेस कीजिए बाय कैलकुलेटिंग कि आपका आवरली बेस पे इनकम या प्रोडक्टिविटी क्या है। आपने कभी डिटरमिन किया है आपका आवरली इनकम क्या है, आवरली प्रोडक्टिविटी क्या है? इससे क्या डिटरमिन होता है कि आप किस काम पे आपको वर्थ है, आपको पर्सनल अटेंशन देना और करना, या हम उसको डेलीगेट भी कर सकते हैं। सेकंड लेसन ये बुक जो देती है वो ये है कि हटाइए आपके जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, और ये जो आपका टाइम ड्रेन कर देते हैं, बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल वैल्यू ऐड नहीं करते हैं आपके गोल्स को और पूरे टाइम वेस्टर हैं, बिल्कुल समय बर्बादी है इनमें। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि जैसे अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स है, अननेसेसरी सोशल मीडिया का यूज़ है, कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन है, इसको एलिमिनेट कीजिए। पहले तो इसको कम कीजिए, पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए, फिर रिड्यूस कीजिए, फिर हटा दीजिए, तभी आपको आपके वैल्यूबल कीमती आवर्स मिलेंगे। तीसरा लेसन ये बुक ये देती है कि डेलीगेट कीजिए, आउटसोर्स कीजिए, सीखिए कि कैसे हम डेलीगेट कर सकते हैं टास्क। जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज आनी है, हर चीज सीखना है। आउटसोर्स कीजिए, स्पेशली वो काम कीजिए जो आपको पसंद नहीं है। आउटसोर्स रूटीन या एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने से आपका फ्री होता है दिमाग कि आप वो एक्टिविटीज करें जो बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, ज़्यादा प्रभाव क्रिएट कर रही हैं। और इस स्ट्रैटेजिक वर्क से आप देखिएगा ग्रोथ भी होगी और सक्सेस भी होगा। चौथा ये बुक का लेसन है कि सिस्टम बनाइए, प्रोसेसेस बनाइए, क्योंकि पीपल फेल, सिस्टम वर्क्स। तो प्रोसेसेस क्या है, वही रेकरिंग टास्क ईजी हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस है, SOPs होते हैं, तो सबके लिए ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, और जो ऑपरेशनल वर्किंग होती है वो स्मूथ हो जाती है और मिस्टेक्स कम होती हैं। इससे क्या होता है, रिड्यूस होती हैं आपकी, कि आपका बहुत समय नए लोगों को, नई चीज़ों से और अपना पूरे प्रोसेस से ट्रेन करने में जो समय आपका वेस्ट होता है। प्रायोरिटाइज कीजिए उन टास्क को, उन एक्टिविटीज को जो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, कि हमको ऐसी एक्टिविटीज पे फोकस करना है जो डायरेक्टली आपके कंट्रीब्यूट करती हैं जो आपने गोल्स लिखे हुए हैं, और इन हाईएस्ट इम्पैक्ट एक्टिविटीज से आपको दिख रहा है कि आपकी सफलता आपको मिलेगी। जैसे इसमें आप एक काम कर सकते हैं जो 80/20 पेरेटो प्रिंसिपल है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी 20% एक्टिविटीज हैं जो सबसे ज्यादा आपको महत्वपूर्ण रिजल्ट देंगी आपके काम में, आपके वर्क में, आपके बिजनेस में। सिक्स्थ लेसन जो ये बुक देती है, छठा लेसन जो है, वो लीवरेज कीजिए टेक्नोलॉजी को और टूल्स को। यूज कीजिए टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी टूल्स, ऑटोमेट कीजिए, स्ट्रीमलाइन कीजिए अपने जो टास्क हैं। टूल्स जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिकेशन एप्स हैं जिनसे आपका समय सेव हो सकता है और इम्प्रूव हो सकती है आपकी एफिशिएंसी। सातवां लेसन ये बुक देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आप अपने उसमें डाल सकते हैं कि इन्वेस्ट कीजिए पर्सनल डेवलपमेंट में, क्योंकि कंटिन्यूसली जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने स्किल में, अपनी नॉलेज में, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, आप देखिएगा कि आपकी क्षमता भी बढ़ती है और आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और आप फिर दूसरों को वैल्यू दे पाते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? तो इसके लिए आप बुक्स पढ़िए, वर्कशॉप्स को अटेंड कीजिए, मेंटरशिप लीजिए,
अपने क्षेत्र में आगे रहिए और अपने समय का बेहतर यूज कीजिए। एट्थ जो बहुत इम्पोर्टेंट आठवां लेसन है बुक का जो आप यूज करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्केड्यूल कीजिए जो गहरा काम है उसके लिए, एलोकेट कीजिए, कुछ ब्लॉक्स दीजिए जहाँ पे बिल्कुल आपको कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ऐसा फोकस्ड काम के लिए आपको इस तरीके का टाइम निकालना होगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है या कोई आपको बहुत हाई फोकस वाला काम करना है तो प्रोटेक्ट कीजिए समय को टाइम ब्लॉक से, जाकि आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं मिले और मैक्सिमाइज करें आप प्रोडक्टिविटी को। बहुत सक्सेसफुल लोगों का मैंने पढ़ा है कि वो कहते हैं कि हम अपने पूरे टाइमर्स को नो DND मोड पे कर देते हैं कि हमें उस वक्त किसी से बात हमें ना करनी पड़े, ना हमारे पास कोई ऐसा डिस्टर्बेंस आए। और कई लोग आज के समय में भी दे यूज पेजर, कि आपको कोई बात करनी है, मैसेज करना है तो पेजर के थ्रू आप मैसेज कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड विद द कॉल्स और सोशल मीडिया पॉपिंग। यू विल सी कभी मैसेज आ रहा है, कभी ईमेल आ रहा है, कभी कॉल्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। द लास्ट लेसन ये है कि रिफ्लेक्ट कीजिए एंड एडजस्ट रेगुलरली। अगर आप रिव्यू करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को, आप असेस करेंगे कि किस तरीके से वो आपका समय इफेक्टिव है, आपका काम कितना है, रिफ्लेक्शन कि क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है, और फिर आप एडजस्टमेंट करते हो और कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो आप देखोगे कि आप इंश्योर कर रहे हो कि आपका ऑप्टिमाइज्ड है टाइम बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको बहुत सारे पॉइंटर्स मिले जो आपको ये समरी के रूप में आपके लिए अभी 9 पॉइंट्स, 2 9 lessons क्रिएट किए, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने किसी फ्रेंड से, ताकि वो भी अपने समय को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।